हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे में, मनी बिल के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और डेड लॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल में हमारी प्रायरली प्रेजिडेंट की जो है परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें हमें सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्पीकर की। इसमें ऐदर लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है बिल तो लोकसभा में जाएगा पास होने के लिए, और अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो राज्यसभा में जाता है। ये बिल हमारा पास हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल हमारा रिजेक्ट हो सकता है, रिकमेंडेशन के लिए वापस जा सकता है, और इसको हम विदहोल्ड कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। अब बात करते हैं हम मनी बिल के लिए। तो मनी बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना मनी बिल हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसमें स्पीकर के सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, स्पीकर के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तथा इसमें ओनली ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मनी बिल किस में इंट्रोड्यूस होता है, ओनली लोकसभा में। लोकसभा से राज्यसभा में ये बिल जाएगा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी के बाद ये हमारा बिल पास हो सकता है, रिकमेंडेशन के लिए वापस जा सकता है, लेकिन ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है लोकसभा पर। इसमें इसकी पूरी जो पावर होगी मनी बिल के केस में वो लोकसभा के पास ही होगी। विद होल्ड हो सकता है ये 6 मंथ के लिए नहीं, सिर्फ 14 डेज के लिए। किस केस में? मनी बिल में। जबकि हमारा ऑर्डिनरी बिल में हमारा 6 मंथ के लिए विद होल्ड हो सकता था कोई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 14 डेज के लिए हम इसको विद होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये बिल हमारा ऑटो पास हो जाता है, इसमें रिजेक्शन नहीं हो सकता, मनी बिल का रिजेक्शन नहीं हो सकता है राज्यसभा के द्वारा। अब हम बात करते हैं डेड लॉक की। तो डेड लॉक में जॉइंट सिटिंग, अगर किसी भी बिल में डेड लॉक हो जाता है, बिल पास नहीं हो पाता है, तो जॉइंट सिटिंग बैठाई जाती है। जॉइंट सिटिंग में हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठती है। इसमें प्रेसिडेंट्स कॉल करते हैं जॉइंट सिटिंग को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जॉइंट सिटिंग को कौन कॉल या सम्मन करते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग को सम्मन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीकर की। तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा को, लोकसभा के वे ही जो है अटेंड करते हैं, वे अटेंड करते हैं जॉइंट सिटिंग, और स्पीकर ही वर्क करते हैं एज ए जॉइंट सिटिंग में स्पीकर की जगह। और डेप्यूटी स्पीकर जो है डेप्यूटी स्पीकर रहेंगे, और हमारे डेप्यूटी चेयरमैन रहेंगे, लेकिन वहाँ पे चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे वे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वे इंडिपेंडेंट बॉडी है और वे जॉइंट सिटिंग में नहीं बैठती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जॉइंट सिटिंग में स्पीकर की जगह जो है कौन लेता है, स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन। तो फिर उसका सही आंसर होगा स्पीकर। स्पीकर जो है प्रोसीड कराते हैं हमारे जॉइंट सिटिंग को और सम्मान करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में और अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में। होपफुली ये क्वेश्चन, ये सब आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएँ, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।